खंडवा नगर निगम में उपयंत्री और पार्षद के बीच विवाद के मामले में पुलिस ने आरोपी पार्षद शेख फरीद को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। खंडवा नगर निगम में उपयंत्री व प्रकाश विभाग के प्रभारी भूपेंद्र सिंह बिसेन के साथ वार्ड 19 के पार्षद फरीद खान के बीच विवाद हुआ था, जिसमें उपयंत्री बिसेन ने कोतवाली थाने में शिकायत की थी कि पार्षद फरीद खान ने उनके साथ अभद्रता की है, जिसके चलते नगर निगम में प्रस्तावित MIC की बैठक को स्थगित करना पड़ा और आक्रोशित कर्मचारियों ने रैली निकालकर गिरफ्तारी की मांग की, जिस पर कार्यवाही करते हुए पुलिस ने पार्षद को गिरफ्तार कर लिया है। नगर निगम प्रांगण में महापौर और कमिश्नर पक्ष के बीच में जो मैसेज है, जहाँ MIC की बैठक थी, उसके संबंध में हम लोग मीटिंग के लिए गए थे। वहीं पे उसके काम के चक्कर में पार्षद फरीद खान आए थे, उनके द्वारा मुझसे कहा गया और बदतमीजी पूर्ण व्यवहार किया गया, कालर पकड़ी गई। उसके बाद उन्होंने जो भी किया घटनाक्रम, तो वो मैंने थाने में आवेदन दे दिया है, महापौर आयुक्त महोदय को अवगत करा दिया है ना, और ज़्यादा मैं कुछ यानी जो भी है मैंने थाने में आवेदन दिया है उस संबंध में। आक्रोशित क्या है, वो तो आके सीधे एकदम तुम बाहर आ जाओ, तुम्हारे बाप दादा के अपने इकलौते बाप के लड़के हो तो बाहर आके बात करो। मैंने कहा बात आप बताओ क्या है, उसके इस तरीके से कोई बात हुई है, मतलब मैं भी अचंभित रह गया कि अचानक ऐसा क्या हो। अब हम लोग भीड़ थी वहाँ पे, MIC की बैठक शुरू होने वाली थी, उस संबंध में गए थे आके अपने काम के बारे में कुछ बता रहे थे, मीटिंग हो जाती है उसके बाद बात करते हैं। तो उन्होंने भाई मैं तो कानून के उसमें प्रक्रिया के अंतर्गत जो भी है अपने लिए न्याय चाहता हूँ और कुछ नहीं, बाकी काफ़ी ज़्यादा मैं डरा हुआ हूँ और हम लोग जिस परिस्थिति में काम करते हैं बड़ी विचित्र परिस्थितियाँ रहती हैं। हम लोग भी जनप्रतिनिधियों से सवाल अच्छा व्यवहार रखते हैं तो परस्पर व्यवहार अपेक्षित रहता है। पार्षद जी द्वारा असंसदीय भाषा का प्रयोग किया गया कर्मचारी के साथ में और उनसे अभद्रतापूर्वक बात की गई, जिसके विरोध में कर्मचारी आक्रोश में है और उन लोगों ने ज्ञापन देकर काम बंद कर दिया है वर्तमान में। अब आगे देखते हैं कर्मचारी संघ का मामला है, वो जैसा निर्णय करना चाहेगा आगे। मारपीट तो नहीं हुई थी, मारपीट की घटना नहीं है, ये है कि उन्हें देख लेने की धमकी और इस तरह की चीजें हुई हैं, तो वो मामले में मतलब उन्हें गाल में हाथ फेरा और बोले देख लेंगे बाहर निकल के। संबंध में कुछ बात थी, 2 महीने से काम नहीं हुआ उसके बारे में बोल रहे थे वो लगातार, तो मतलब हर मामले का संसदीय प्रक्रिया से कार्य करने की प्रक्रिया है, कोई किसी को भी किसी व्यक्तिगत आक्षेप लगाना और मारपीट करना या अभद्र भाषा का प्रयोग करना उपयुक्त नहीं है, वो भी गलत प्रक्रिया है। फरियादी भूपेंद्र सिंह बिसेन उपयंत्री नगर निगम खंडवा के द्वारा उनके साथ मारपीट करने, गाली गलौज करने, जान से मारने की धमकी देने के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। उसमें जो आरोपी हैं शेख फरीद पिता शेख रशीद निवासी खड़गपुरा जो पार्षद भी हैं, उनकी आज गिरफ्तारी की गई है। इस मामले में गिरफ्तार कर किया जाकर माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। 353, 234 और 506 में अपराध पंजीबद्ध था, उन्हें धारा में गिरफ्तारी की गई। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।